मैं लक्ष्मण गिलुआ भारतीय जनता पार्टी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में मेरा स्थानीय मुद्दा निश्चित रूप से डेवलपमेंट है, निश्चित रूप से विकास है, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाना है और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हुए इस लोकसभा क्षेत्र को आदर्श लोकसभा क्षेत्र में हम कैसे तब्दील करेंगे, ये हमारे इस मिशन के साथ हम जा रहे हैं आगे की ओर। और हमारा विकास ही एक मुद्दा है, जैसे यह हमारा क्षेत्र लोहांचल है और यह हमारा यहाँ क्षेत्र रेलवे का एक बड़ा जोन है, गोल्डन जोन जिसको हम कहते हैं। मैं एक लाइन में आपको बता दूं, हमारा कार्यकाल में जितने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण गाड़ी चलती हैं, अधिकतर गाड़ियों का हमने स्टॉपेज करा दिया। उसके साथ ही साथ यह जो लोहांचल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक्सप्रेस ट्रेन कभी चलता ही नहीं है, आजादी के लंबे वर्षों के अंतराल तक नहीं चला। लक्ष्मण गिलुआ का ही देन है जो टाटा नगर से लेकर के बड़बिल तक जन शताब्दी एक्सप्रेस का चलवाना, यह लक्ष्मण गिलुआ का देन है। दूसरी बात यह है, हमारे पीरियड में रेलवे बोर्ड में हमने यह एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कराया था, आदरणीय रेल मंत्री उस वक्त के नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय वाजपेयी जी, कि हमारा मांग था टाटा नगर से लेकर के बड़बिल और टाटा नगर से लेकर के राहुल किला के बीच में मेमू ट्रेन को चलाना। अपने पीरियड में हमने इसको प्रस्ताव देकर के एक प्रकार से बोर्ड की स्वीकृति हमने करा दिया था। खनिज संपदा से भरा हुआ यह क्षेत्र है, मैं ये कह सकता हूँ बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए एक अवसर कहीं ना कहीं हमें बनाना चाहिए। अवसर के दृष्टि से अपने इस लोकसभा क्षेत्र में स्टील प्लांट्स, ऐसा एक दो बड़े बड़े प्लांट्स लगना चाहिए ताकि यहाँ के बेरोजगारों को, बेरोजगार चाहे युवक हो चाहे युवतियाँ हो, हम उसको रोजगार से जोड़ पाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा तो खतरे में है, इस देश की राजधानी बड़े बड़े शहरों में जवान लड़कियां की बलात्कार अनगिनत हो रहा है, कहीं सेफ नहीं है, कहीं सुरक्षा है। भारतीय जनता पार्टी का यह वचन है कि आने वाले दिनों में सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा पहला, सबसे पहले अपने माता बहने सबसे पहले तो एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, यह पहला चीज। एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त की हुई कोई भी एक घर में लड़की, तो हम इसको समझ सकते हैं कि उस पूरा परिवार शिक्षित हो जाती है।